इन चैप्टर 11th मेंसुरेशन क्षेत्रमति ब्रांच ऑफ मैथ्स रिलेटेड टू मेजरमेंट, गणित की वो शाखा जो मापन से संबंधित है वो कहलाती है मेंसुरेशन। ओके, सो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हमें पता है क्वाड्रिलेटर होता है, चतुर्भुज है, इसको हिंदी में बोलते हैं समलम चतुर्भुज। सो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए समलम चतुर्भुज होता क्या है, जिसमें एक आपके जो जोड़ा है भुजाओं का वो समांतर हो, वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल एंड वन इज नॉन पैरेलल, और एक जो जोड़ा है वो असमांतर, मतलब जो समांतर नहीं हो, है ना, नॉन पैरेलल। ये नॉन पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया। सो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दो पैरेलल साइड्स के बीच में ये पैरेलल साइड्स, ओके, इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। सो दिस इज 90 डिग्री पे, है ना, ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। सो इसका जो एरिया का फॉर्मूला हो गया, इसके जो क्षेत्रफल का जो सूत्र हो गया वो हो गया आपके हाफ, इस परपेंडिकुलर को बोलेंगे हाइट, ओके, इनटू इसकी दो पैरेलल साइड्स हैं तो इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। सो ये इसके एरिया का फॉर्मूला हो गया। क्षेत्रफल जो समलम चतुर्भुज का है वो बराबर है आधा इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। सो ये हमारा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो फिनिश। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस। हमें पता है रोम्बस यानी सम चतुर्भुज में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, ये और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, ये इसके पैरेलल है, समांतर यानी, और ये साइड आपके इसके पैरेलल है और चारों साइड इक्वल होती है, तो ये रोम्बस ये सम चतुर्भुज कहलाता है। सो इसके एरिया का फॉर्मूला है आपके, आपको पता है देखिए एक जो डायगोनल एक जो विकर्ण होता है इसको दो ट्रायंगल में बांटता है। सो हमें पता है ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे आपके जो OB और ODE, क्योंकि डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, सो जो OB और आपका जो OD है ना, ये देखिए क्योंकि हमने ये दो ट्रायंगल लिए हैं आपके ABC एंड ये वाला ACD, दिस वन। सो इसके अंदर ये तो आपके OD तो इसकी हाइट है और इस वाले ट्रायंगल की OB हाइट है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, ये बेस हो गया, इनका कॉमन है, ओके, तो कॉमन ले लिया, ये आधार को अपने बाहर निकाल लिया, इनकी ऊंचाइयों का योग आ गया, इनकी हाइट का सम आ गया, OB प्लस OD इज इक्वल्स टू DB, ओके, सो हाफ AC इनटू BD। अब AC क्या है, एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, इसलिए इसके जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, विकर्णों का जो गुणन है, है ना, हाफ इंटू विकर्णों का गुणन, ये विकर्ण है आपके AC और DB, क्या है आपके विकर्ण, ओके, तो अपोजिट वर्टिसेस को आप ज्वाइन करते हो, आप जो अपोजिट जो विपरीत सेक्शन को जोड़ते हो तो आपके डायगोनल बनता है। सो आधा इंटू विकर्णों का गुणन बराबर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर जो आपका एरिया है वो क्वाड्रिलेटरल, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल, एक है ना आपका नॉर्मल सा ऐसे कोई जनरल सा। सो ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है आपका, सो ये चतुर्भुज PQRS एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके अंदर एरिया कैसे निकाला है आपका, जनरल क्वाड्रिलेटरल में हमने दो हाइट ली है, दो ऊंचाई ली है UQ एंड ST एंड दिस इज कॉमन साइड, आप देख रहे हैं ये जो है ना आपके इनकी ये डायगोनल है, तो ये इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, एक और ये दो, तो इन दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड हो गई, और एक इस ट्रायंगल की तो हाइट ST हो गई, इस ट्रायंगल की आपकी हाइट हो गई UQ, कौन से ट्रायंगल की, PQR की, एंड ये PSR की हाइट हो गई ST। तो हमें पता है ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधा इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो
इस वाले ट्रायंगल की आधार तो है पी आर एंड ऊंचाई है यू क्यू, इसकी बेस हो गई पी आर और हाइट हो गई आपकी यू क्यू। ऐसे इस वाले ट्रायंगल की बेस यानी आधार हो गई पी आर एंड हाइट हो गई एस टी, ऊंचाई हो गई एस टी। सो ये जो आपके पी आर है ये कॉमन आ रहा है, हाफ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया एंड यहाँ बचा यू क्यू प्लस एस टी। यू क्यू प्लस एस टी ये हाइट है ना, ये अलग है और ये भी हाइट अलग है, इस बार ये दोनों हाइट अलग है। सो हाफ इंटू डायगनल इंटू सम ऑफ हाइट, ये फॉर्मूला हो गया आपके किसके एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल का। सो ये देखिए ये फॉर्मूला जनरेशन हो गया, हाफ इंटू डायगनल इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायगनल, जो डायगनल पे आपके परपेंडिकुलर डाले गए थे उनका सम, ये जनरल क्वाड्रिलेटरल का हो गया फॉर्मूला। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक डायगनल और दो परपेंडिकुलर, एक विकर्ण और दो हाइट उस वाले विकर्ण पे, उस डायगनल पे दो हाइट डी बी हो, तो उसका क्षेत्रफल उसका एरिया का फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू विकर्ण इंटू विकर्णों पे डाले गए ऊंचाइयों का योग, हाफ इंटू डायगनल इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द डायगनल। सो ये आपका एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। अब इरेगुलर पॉलीगन, जो रेगुलर नहीं हो, जिनके एंगल और साइड इक्वल नहीं हो, उनका एरिया आप कैसे निकालते हो, इनके लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, इनके लिए फील्ड बुक है। फील्ड बुक मीन्स आपको वो जो पॉलीगन दिया हुआ होगा, जो बहुभुज दिया होगा, जो इरेगुलर है उसको आपको है ना अलग अलग फिगर्स में डिवाइड करना है, लाइक क्वाड्रिलेटरल में, ट्रायंगल में, एंड देन फिर जितने पार्ट्स आपने डिवाइड किए, जैसे लाइक आपके सामने अभी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में डिवाइडेड, 4 तो ट्रायंगल है और 1 है आपका क्वाड्रिलेटरल, तो आपको इन चार ट्रायंगल का और एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल के इन सबको ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप ऐड करोगे तो एक इरेगुलर पॉलीगन का है ना, जो आपका बहुभुज है जिसके सारी साइड्स और सारे एंगल सेम नहीं है, उसका क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा, उसका एरिया आपके पास आ जाएगा। ये हम आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तब इसको आपको ना एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से इरेगुलर पॉलीगन के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, बाकी जो तीन मेन आपके फॉर्मूले थे लाइक ट्रेपेजियम का, समलंब चतुर्भुज का, रोम्बस यानी सम चतुर्भुज का, और एक जनरल क्वाड्रिलेटरल यानी जिसमें एक डायगनल और उस पर डलने उस पर बनने वाले दो हाइट दी हुई हो, एक विकर्ण और विकर्णों पर डलने वाले लंब दिए हुए हों, तो उसका एरिया कैसे निकालें, ये आपको मैंने फॉर्मूला जनरेशन बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।